होगा राजस्थान। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। दरअसल गहलोत सरकार भीख मांगने वालों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने जा रही है, जहां भिखारियों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे उनका भविष्य बदलेगा, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में अब सड़क चौराहों पर भिखारी नहीं नजर आएंगे। अब किसी के हाथ में कासा नहीं होगा, भिक्षा पत्र नहीं होगा। राजस्थान के भिखारी अब व्यापारी बनेंगे। इसके लिए गहलोत सरकार भिक्षा वृत्ति में लिप्त लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने जा रही है। जयपुर के पीपीपी मोड पर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस पहल की शुरुआत होगी। योजना के अंतर्गत भिक्षा वृत्ति में लिप्त लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल सके, जिससे निर्धन लोग भीख मांगने के लिए बेबस न हो। भिखारियों के लिए पुनर्वास केंद्र खुलने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। ये भिखारी अभी वर्तमान केंद्र देखिए, ज्यादा भिखारी जयपुर और कोटा के हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि भिखारी में जो बच्चे हैं उनको पकड़ करके स्कूल में दाखिला कराया जाए, छात्रावास में दाखिला कराया जाए। इस काम का हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं इस काम में। पिछली गहलोत सरकार में विधानसभा में भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम बनाया गया था। अब गहलोत सरकार ही इस अधिनियम को लागू करने जा रही है। भिखारियों के पुनर्वास के साथ साथ अब राज्य सरकार उनमें स्किल भी तराशने का काम करेगी, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। उसको मैंने कहा ना, बच्चों को तो हम शिक्षा के क्षेत्र में और जो भिखारी है उनको हम स्किल डेवलप के आधार पर कुछ काम धंधा देने की बात भी हम कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस पहल से न सिर्फ निर्धन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे, बल्कि भिक्षा वृत्ति में लिप्त लोगों के भविष्य में भी उजाला आएगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।